जहां पूरे देश में पिछले कल बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार धूमधाम से मनाया गया, वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर के समीप नोगली नामक स्थान की गौशाला में भी रक्षाबंधन अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहां पर एक गौ भगत जिन्होंने अब तक दर्जन बीमार और चोटिल पशुओं का सहारा देकर ठीक किया है और जीवन का उद्देश्य ही गौ सेवा रखा है। उन्होंने एक चोटिल बछड़े को ही रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहन के पवित्र बंधन का फर्ज अदा किया। समाज सेवी एवं गौ भगत आरती शर्मा ने गौशाला में विधि विधान से इस पवित्र पर्व को मनाया। आरती ने बताया उनके भाई की मौत गांव में पानी के नाले में डूबने से हुई। उनके 17 वर्षीय छोटे इकलौते भाई की नेवी में सिलेक्शन हुई थी, इसी के चलते वे गांव के नाले में पानी में तैरना और डुबकी लगाना सीख रहे थे और डूब कर मारे गए। सेवा भाव के साथ आरती शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान 600 से अधिक गरीबों को राशन और आर्थिक मदद देकर उनके हमदर्द बने हैं। इस दौरान विभिन्न गौशालाओं में भी चारा पहुंचाकर पशुओं से खास लगाव का परिचय दिया है। आरती हर रोज घंटों गौशाला में पशुओं की सेवा करती है। रामपुर के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश भी अपनी पत्नी आरती शर्मा की हमेशा इस सेवा में मदद करते हैं। आरती ने गौशाला पहुंचकर जख्मी बछड़े को विधि विधान से पूजा और टीका लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। अब भाई की याद में इस बछड़े को अपना भाई मानकर भाई बहन के पवित्र बंधन का फर्ज निभाते रहेंगे। इस तरह के प्रयास से सड़कों में छोड़े गए बेसहारा पशुओं को संरक्षण देने की नई मिसाल कायम होने लगी है। आरती शर्मा ने बताया कि वे बचपन से ही गौ सेवा व उनसे जुड़े रहना अच्छा लगता है। रोज नोगली नामक स्थान में गौ सेवा के लिए गौशाला आते हैं। कुछ रोज पूर्व एक बछड़ा नोगली में जख्मी दिखा था, जिसे गौशाला लाकर उपचार करते रहे। अब वह ठीक होने लगा तो उन्होंने इस बछड़े को ही रक्षा सूत्र बांधा और अपने स्वर्गीय भाई की याद को ताजा किया। दूसरा गौशाला को ही उन्होंने इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए उपयुक्त स्थान समझा। ये गौशाला की निरंतर सेवा करती रहती हूँ और मैं गौ रक्षक में गौ रक्षक हूँ और बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं गायों की सेवा करूं, इनकी देखरेख करूं, इनके साथ जुड़ी रहूं और हमेशा ही जुड़ी रहती हूं। और जैसे ये लॉकडाउन भी चला तो इस दौरान हमने गरीबों की, कोई बीमारों की और गायों की भी की रक्षा करने के लिए एक बीड़ा उठाया हुआ था। तो अभी और यहाँ जो हमारी ये गौशाला नोगली में बनी हुई है, इस गौशाला में मैं निरंतर ही हम रोज़ आया जाया करती हूँ इन पशुओं की देखरेख करने के लिए, इनको चारा डालने के लिए। तो एक दिन हमें एक बीमार पशु जो कि हिनोगली में छोटा सा बछड़ा पड़ा हुआ था, उसको वहाँ कोई 8-10 दिन हो गए थे, तो उसकी बहुत ही बुरी स्थिति थी, उसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसे हम अपनी गाड़ी में लेकर उसके लिए गाड़ी का प्रबंध किया और उसे अपनी गौशाला में लाए और उसका इलाज किया। जो हमारे यहाँ सेवक ये किशोरी जी है, उन्होंने भी इसकी काफ़ी सेवा की। तो उसकी सेवा करते हुए उसको आज जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो वो काफ़ी ठीक हो गया, चलने लग गया और बढ़िया घास खाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ये जो पवित्र बंधन रक्षाबंधन का त्यौहार है इन पशुओं के साथ मनाया जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ आकर इसे मैंने रक्षाबंधन का धागा बांधा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरा भाई जो मैं 17 साल का मेरे से छोटा था, वो पानी में डूब गया था और उसकी नेवी में सिलेक्शन हो गई थी। उसकी प्रैक्टिस करते हुए वो नेवी की प्रैक्टिस करते हुए पानी में डूब गया। तो इस अपने दुख को और हल्का करने का इसे अच्छा कोई वो नहीं है कि मैं ये उसका पवित्र धागा इस बछड़े के हाथ में बांधूं, जो कि वो भी मृत्यु की मुँह से वापस आया और उसको भी एक जीवन दान मिला। तो जैसे अपने भाई को तो हम नहीं बचा सके, तो इन पशुओं की के लिए हमारा निरंतर प्रयास होता है कि अगर कोई जख्मी और ऐसी कंडीशन में पशु मिले तो हम उनकी रक्षा कर सकें। तो रक्षाबंधन के अवसर पर मैंने इससे कोई अच्छा स्थान नहीं समझा कि मैं इन पशुओं के साथ अपना रक्षाबंधन मनाऊं, जो मेरे भाई की आत्मा के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा।